हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा यहाँ पे कि जेड मैक्स कार्ड का कैसे अपनी आईडी को रिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता है कि जेड मैक्स का जो है हर हफ्ते आपको यहाँ पे अपनी आईडी को रिन्यूअल करना होता है, तो कैसे आप कर सकते हैं पूरी प्रोसेस इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी आईडी और पासवर्ड को लॉगिन करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लॉगिन कर दिया, उसके बाद आपको लॉगिन करने के बाद यहाँ पे कुछ पॉपअप विंडो आती है जिसको आपको सिंपली क्लोज कर देनी होती है। यहाँ पे मैं क्रॉस का चिन्ह है इस पर क्लिक कर दिया। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों को कैसे पता चलेगी कि आपका आईडी जो है रिन्यू करना है या फिर अभी एक्टिवेट है। दोस्तों अगर आपको रिन्यू आपका जो आईडी है क्लोज हो गई है, बंद हो गई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉस का चिन्ह लिखा हुआ है, क्रॉस का सिंबल मिल जाएगा आपको। अगर आपकी आईडी अभी एक्टिवेट है तो यहाँ पे गुड का चिन्ह लगा होगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, दोस्तों जैसे भी इस कंपनी का जो रूल्स है एक हफ्ते का होता है। जैसे आपका 222 का जैसे रिन्यू हो जाएगा, अगले 7 दिनों तक आपकी आईडी फिर से एक्टिवेट कर दिया जाता है। और उसके बाद आपको 45 रुपये के हिसाब से डेली मिलता है, जिसमें 50 रुपये डेली मिलता है, लेकिन आपको कट फुट के 45 रुपीज़ डेली मिलता है, जिससे 315 रुपये जैसे आपका बन जाता है वॉलेट में, आपके आईडी फिर से डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। आपको उसी 315 में से 222 फिर से एक्टिवेशन में लगा दिया जाता है, आपकी 93.95 रुपये यहाँ पे सेव बच जाती है। यही आपकी प्योर इनकम होती है। क्योंकि ये प्लान मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको टोटल चीज़ पता होगा। मैं यहाँ पे सिंपली आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी आईडी को फिर से रिन्यू करने की ज़रूरत है, कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका क्रॉस का चिन्ह लगा है, यानी आपको यहाँ पे समझ जाना है कि मेरी आईडी जो है डीएक्टिवेट हो चुका है। अगर आपको अपनी आईडी एक्टिवेट नहीं करते हैं तो आपको कोई भी अर्निंग नहीं मिलती, यहाँ तक कि सेल्फ इनकम और जो कि लेवल इनकम है वो भी नहीं आपको मिलता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी आईडी को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले में ऊपर में 3 लाइन होगा, राइट साइड में जो भी लाइन है 3 लाइन, उसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ढेर सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। चूंकि अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो ये सारे ऑप्शन को फॉलो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं अपने मोबाइल में ही बता रहा हूँ। तो सिंपली जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए इतने सारे ऑप्शन है, इस ऑप्शन में आपको जाना है सेकंड और नंबर के ऑप्शन में जो सर्विसेज लिखा है, सर्विस वाले जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है तीसरे नंबर पे जो है एक्टिवेशन का, एक्टिवेशन पे हमने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं परचेज बाय, यहाँ पे अपनी आईडी नंबर परचेज बाय में लिख देनी है, ठीक है। चूँकि मेरे वॉलेट में अर्निंग वॉलेट में 315 रुपये हैं, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 56 यहाँ पे जो भी मेरी आईडी नंबर मैंने डाल दिया। उसके बाद आपको नीचे क्लिक करना है यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस पे, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ज्वाइन 222 पे क्लिक करना है। जैसे अपनी आईडी नंबर डालेंगे, आपको जो भी आईडी नंबर आपका होगा उसका नाम यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा, इससे आपको कंफर्म हो जाती है हाँ मैंने आईडी नंबर सही डाला है। अगर आपके एक भी अंक यहाँ पे मिस्टेक हुआ हो सकता है दूसरे का नाम आए, ध्यान देना है कि अपनी आईडी नंबर के नीचे अपना नाम जरूर आए, तो अगर उससे आपको कंफर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे ज्वाइन प्राइस में 222 लिखनी है, उसके बाद यहाँ पे लिखनी है फ्रॉम वॉलेट में, यहाँ पे आपकी चूंकि आपकी अर्निंग वॉलेट है जिससे 315 रुपये बना, उसी से आपको 222 का यहाँ पे जो है कटवानी है, ठीक है। तो अर्निंग वॉलेट में 222 का सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। अर्निंग वाले में देख सकते हैं 315, जिसमें हमारा 222 अभी माइनस होने वाला है। तो मुझे अब क्या करना है, सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ के 222 यहाँ पे कंफर्मेशन मांग रहा है, आर यू श्योर वांट टू अपग्रेड, मुझे करना है ओके। जैसे ओके करेंगे ये आपका 222 यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं प्रोडक्ट परचेस सक्सेसफुल्ली, यहाँ पे मेरा हो चुका है और मेरे जो भी इनकम से बचा है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। वापस से आपको होम बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप होम बटन पे क्लिक करेंगे आप फ्रंट पेज पे आ जाएंगे, फिर से आपको पॉपअप विंडो आएगी, यहाँ पे क्रॉस कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपके अर्निंग वॉलेट में देखिए 315 था, यहाँ पे 93 से बचा हुआ है, यानी यहाँ पे आपकी जो आईडी है एक्टिवेट हो चुकी है। अब आपको कैसे कंफर्म होगा कि आपको यहाँ पे आईडी एक्टिवेट हो गया, तो फिर से आपको क्या करना है, अपनी आईडी को 3 डॉट पे जाके लॉगआउट करनी है और फिर से दोबारा से लॉगिन कर देना है, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी जो आईडी है यहाँ पे रिन्यू हो चुकी है। तो फिर से मैं यहाँ पे आपको तुरंत का तुरंत लॉगिन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो भी मेरी आईडी है अभी आईडी नंबर डाल देनी है और पासवर्ड डाल देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिक्योर लॉगिन पे दोबारा से क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपका जो आईडी है यहाँ पे ओपन हो जाएगी और आप देख सकते हैं बिल्कुल कि आपकी जो आईडी है यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है। देखिए यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह था लेकिन यहाँ पे गुड का चिन्ह करेक्ट का चिन्ह लग गया, यानी जो आपकी आईडी है आपका यहाँ पे रिन्यू हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। अब आपकी 2 दिन के बाद से फिर से जो अर्निंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। जो आएंगे दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे कमेंट सेक्शन से वहाँ पे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से हम मिलते हैं।